May I come in, sir? Come in. Yes, come in. जी थैंक यू। रीवा डिस्ट्रिक्ट से आप? जी सर। बट अभी आप इंदौर में रहते हैं? जी सर। कहाँ रहते हैं इंदौर में? सर बारह जानकी नगर एक्सटेंशन। मतलब फैमिली आल्सो रहता है सर? मेरे भाई बहन बस रहते हैं इधर ही। जी अच्छा, उनके साथ रहते हैं। जी सर। एंड आप प्रिपेयर कर रहा हो क्या एग्जाम का? सर मैं जॉब जॉब में भी। जी सर। सर पोस्ट में? सर मैं पटवारी। सर मैं पटवारी हूँ। अभी आप पटवारी हैं? जी मैम। मैं इंदौर जिले की खुड़ैल तहसील में हूँ मैम। तहसील में? जी। कहाँ आप? मैं खुड़ैल खुड़ैल तहसील में हूँ सर। मैं हल्का नंबर? हल्का नंबर 6 है सर। अच्छा, वो क्या है मुख्यालय हल्का का? सर गहली, गहली पंचायत। गिरनी? गहली, गहली सर, देवास से लगा हुआ। अच्छा जी। डबल चौकी के आगे? जी जी सर। कब से है? इंडेक्स इंडेक्स मेडिकल कॉलेज भी आप ही की? नहीं 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 सर, मतलब आपका ये तहसील में नेमावर रोड? जी जी सर। डबल चौकी से दूधली है क्या है वो दूधवारा का? कब से है आप पटवारी? मैं मैम 6 अगस्त 2018 से। 18 से? जी 18 से। अच्छा ओके राइट। बताइए इंदौर के बारे में बताइए। इंदौर है रीवा ना? क्यों इंदौर के बारे में भी बता देंगे। जी सर। यार वर्किंग 18 से पेपर ही कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह सर? मैं दूसरा डेप इनका है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जी और पटवारी में पहुंच गए डायरेक्टली? जी सर। ये बीटेक से? जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एंड हॉबीज में भी देख लेता हूँ। मैम क्षेत्रीय व्यंजन बनाना और वेस्ट टू वेस्ट मटेरियल। वेस्ट टू वेस्ट मटेरियल जी। 2013 में आपने वो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी जी भोपाल से आप बीए किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जी सर। 13 के बाद फिर 18 में आप पटवारी ज्वाइन किया। इस बीच में 5 वर्ष क्या किया? सर उसके बाद मैंने 1 साल का इंटर्नशिप कोर्स किया था, बीएच इंटर्नशिप जो प्रोग्राम होता है बीएचईएल भोपाल में किया था। अच्छा जी सर। उसके बाद से मैं सतत सर तैयारी कर रही थी। डिसर्टेशन जैसा कुछ बनाना पड़ता है क्या बीएचईएल में इंटर्नशिप में? क्या कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा? नहीं सर। सबमिट करना पड़ेगा? नहीं नहीं सर। डेली लॉग बुक बनाते हैं क्या क्या काम किया क्या क्या राइट ओके। बताइए व्हाट इज स्पेशल अबाउट रीवा एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट इंदौर आल्सो। जी सर। सर सबसे पहले तो रीवा में जो हम बात करते हैं तो रीवा में सर बहुत सारी, एक तो रीवा सफ़ेद शेर के लिए बहुत प्रसिद्ध था एक टाइम पे, वहाँ पहला सफ़ेद शेर वहाँ से पकड़ा गया था। तो और दूसरा सर रीवा में अभी सबसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। और तीसरा सर कि मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊँचा जलप्रपात है बहुत ही वो रीवा में है। और रीवा सर सुपारी के खिलौने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद सर अभी रीवा में एक फेमस आम की प्रजाति है सुंदरजा, उसको जीआई टैग दिया गया है सरकार के द्वारा। उसके अलावा भी रीवा में सर जो कल्चरल यदि हम उस पर बात करें पुराना, तो सर देउर कोठर स्तूप मिला है जो मौर्यकालीन है। और सर गुप्त काल का सुपिया अभिलेख भी है। और चूँकि सर रीवा बघेल वंश की राजधानी रहा है तो वहाँ बघेल वंश द्वारा बनवाए गए मंदिर और महल भी हैं, जैसे कि सर मंदिर में महामृत्युंजय मंदिर। और उसके अलावा सर वेंकट भवन बनवाया गया है, वहाँ रीवा संग्रहालय है। जी सर ओके। इंदौर के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, आप बताइए आप कुछ। पूजा आप पटवारी की सेवा यहाँ पे? जी सर। शासन में कर रही है? जी सर। शासन कि बहुत सारी योजनाएं ये देखने में आता है कि बहुत नीचे के लोग जो नीडी हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। जी सर। या इवन जो उनका राशन जितना उसको पहुंचना चाहिए वहां तक वो नहीं पहुंच पाता है, क्या इसके पीछे कारण है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है? जी सर। सर जो इसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं लोगों तक जो
प्रत्यक्ष लाभार्थी जिनको पहुंचना चाहिए, मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाती। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न एक तो सर है कि जन जागरूकता की कमी है, और दूसरा कहीं ना कहीं सर जो चेन है, जो मतलब सर्विस चेन है, वो कहीं बाधित हो जाती है, और जो वहाँ वर्किंग लोग हैं या तो उनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, तो उस चीज़ में कहीं इसकी वजह से सर वो देर होता है। किंतु सर जैसे जैसे ऑनलाइन सर्विसेज ई गवर्नेंस का चलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे तो ये योजनाएं सर पहुंचने लग गई हैं शासन तक लोगों को, और जो वास्तविक लाभार्थी उनकी पहचान भी की जा रही है और उनको लाभ मिल रहा है सर। तो आपका कहना है कि जागरूकता की कमी, जागरूकता तो हमेशा ही, चूँकि शिक्षा का प्रसार नहीं है जी सर, जागरूकता हमेशा ही कम ज़्यादा रहेगी जी सर, चाहे वो पहले से कितनी भी बढ़ी हो लेकिन वो कम ही रहेगा जी सर। सर इसके पीछे जो रीज़न रहता है, अगर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, उसको ये पता है कि सरकार के द्वारा उसके लिए ये योजना लाई गई है, इसका लाभ लेने के लिए उसको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर इस प्रक्रिया के द्वारा वो लाभ ले सकता है, तो सर निश्चित रूप से वो लाभ ले लेता है। किंतु सर कुछ व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः देखने में आता है कि उनको पता नहीं रहता कि उनको किस सुविधा, किस योजना के तहत लाभ दिया जा सकता है, वो पीछे रहते हैं। किंतु सर अभी जो डोर टू डोर सर्वे भी करवाया जाता है इसके लिए, कि कोई भी वास्तविक लाभार्थी जो है वो छूटे नहीं, इसके लिए सर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सालों से डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, हर बार BPL की लिस्ट बदल जाती है जी सर, उसमें भी तो डोर टू डोर सर्वे करते हैं जी सर। सर BPL तो हमारे जो क्राइटेरिया है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण कि जब हम चाहें उसको सर्वे को परिवर्तित कर दें जी सर। सर क्राइटेरिया स्पष्ट नहीं रहते, और कई बार सर जो प्रक्रिया रहती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं, जिसके तहत भी इतना तुरंत त्वरित निर्णय नहीं हो पाता उन सब चीज़ों के लेके, ये वजह भी रहती है सर कि कुछ जो वास्तविक लाभार्थी हैं वो पीछे छूट जाते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या जो क्राइम के लिए हम लोग देखते हैं समाज में, सबसे ज़्यादा विवाद जो है ज़मीनों का है जी सर, और आप जिस पद पे काम कर रही हैं पटवारी पे जी सर, तो वहाँ पे ही ज़मीनों के विवाद का निपटारा काफ़ी ज़्यादा हद तक होता है जी सर। तो ये क्यों नहीं, विवाद का निपटारा, उनकी नाप तौल क्यों नहीं हो पाती, क्या इसके पीछे कारण होता है, कोई परेशानी होती है या क्या? अधिकांश देखने में आता है कि सालों तक प्रकरण पड़ा हुआ है जिसमें वो डिस्प्यूट है, उनकी नापी नहीं हो रही है ज़मीन की। सर ये अभी जो इस तरह की प्रवृत्तियां देखने में आ रही हैं, तो जो सर अविवादित हैं, जहां इतने विवाद नहीं हैं, उनका सीमांकन और जो भी ज़मीन की नापने की प्रक्रियाएं वो समय पे पूरी होती हैं। किंतु कुछ कुछ जगह सर जो विवादित हैं, जहां पे ये चीज़ें हैं कि नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं हैं, बहुत बार सर ऐसा होता है कि उनको चिन्हित कर दिया जाता है कि आपकी ज़मीन यहीं तक है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उसके लिए सर प्रशासन या तो पुलिस कार्यवाही के बल से, तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं रहती हैं सर, या तो फिर एक बार प्रशासन ने चिन्हित करके बता दिया है कि आपकी ज़मीन यहीं तक है, आप छोड़ दें, उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, इस तरह की घटनाओं से सर। तो अविवादित की बात कर रहा हूं। तो सर जी सर, इंदौर जिले में कितने अविवादित सीमांकन के प्रकरण पेंडिंग? चूँकि सर सीमांकन का जो प्रकरण है वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आता है, जिसमें एक महीने में सर अविवादित है तो निराकरण करना होता है, तो सर वो निराकरण किया जा रहा है। और चूँकि सर इसके साथ एक और समस्या ये है कि अभी तक पटवारी को सीमांकन का अधिकार नहीं मिला था, और पटवारी के परिप्रेक्ष्य में सर राजस्व निरीक्षकों की संख्या कम है, इस वजह से भी सर थोड़ी पेंडेंसी रहती है। अदरवाइज सर जो अविवादित हैं, जहां चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं, वो की जा रही हैं। अभी आप अभी भी जरीब और चेन से ही सर्वे करते हैं ज़मीनों का, या आप इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइस से करते मिले? सर अभी जो सीमांकन प्रक्रिया के लिए नई मशीन आई है TSM टोटल स्टेशन मशीन, उसके द्वारा किया जाता है सीमांकन। किंतु सर मशीनों की संख्या अत्यंत कम होने के कारण जो बहुत सीधे केस हैं, जहां कि सामान्य रूप से जरीब से नाप के बताया जा सकता है, वहां जरीब का प्रयोग आज भी किया जा रहा है। सर एक जरीब कितने फीट की होती है? सर 66 फीट की होती है सामान्य। ठीक, वो पटवारी
आपका रोल जी सर, और कोई भी जिले में क्या होता है, कितना महत्व होता है? जी सर, सर पटवारी का जो मुख्य कार्य होता है राजस्व रिकॉर्ड का संधारित करना और अद्यतित करना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इसी के आधार पे बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो किसानों को लेके बनाई जाती हैं, तो उसी के आधार पर बनाई जाती हैं सर। तो राजस्व रिकॉर्ड को संधारित और अद्यतित करने के साथ साथ सर, जो उसको हल्का मिला हुआ प्रभार क्षेत्र है उसके, तो उसमें गिरदावरी की करना है, नामांतरण या कोई मृतक है फौती नामांतरण की जो रिपोर्ट हो पटवारी के थ्रू ही जाती है, नामांतरण और बंटवारा जो रजिस्ट्री नामांतरण बंटवारा होते हैं उसकी भी रिपोर्ट सर पटवारी के थ्रू जाती है। और दूसरा सर गिरदावरी हो गया, फसल कटाई प्रयोग हो गया इस, और सर जो गवर्नमेंट की अन्य योजनाएँ हैं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, ये सब पटवारी के द्वारा ही की जाती हैं सर। इवन बी1 और कसरा भी आपको जो दिया जाता है वो मिनिमम दायित्व है आपको जी सर, कोई पूछने पर दे देना, उपलब्ध कराना जी। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन समय समय पर शिविरों लगा के ये बी1 और कसरा डिस्ट्रीब्यूशन में काम करवाता है जी सर। ऐसी दयनीय स्थिति क्यों बनता है? पटवारी अपने काम नहीं करता है या बी1 कसरा लेने के देने के लिए पैसा लेता है? अभी भी बहुत ही बड़े पैमाने पर ऐसे कंप्लेंट्स मिलता है सर, चूँकि आज अब बी1 और कसरा ऑनलाइन अवेलेबल है जी सर, व्यक्ति 30 रुपए का शुल्क देके उसको लोक सेवा केंद्र से निकाल सकता है। तो चूँकि सर अब पटवारी के बहुत सारे खेती किसानी करने वाले काफी अभी भी काफी इलिटरेट टाइप का ही है, बहुत सारे जानकारी रेवेन्यू में नहीं है, तो आप इन लोगों को कितना सहयोग करते हैं सर वो अपटेन करने में? उसी में जाके ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं, तो आप मदद करते हैं? जी सर बिल्कुल सर, चूंकि अब हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं रहती कि हम उनको प्रिंट निकाल के दे पाए, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अपना ऑनलाइन खसरा निकालने में सक्षम नहीं है, तो सर यदि मैं कलेक्टर ऑफिस में हूँ तो मैं वहाँ से उसको स्पेसिमेन कॉपी निकाल के दे देती हूँ, जिससे उसका काम हो जाता है। अगर मैं हल्के पे हूँ सर, तो मैं उसको नक्शा खसरा चेक करके बता देती हूँ कि आपका ये मैटर है, आप ऐसे कर सकते हैं। ये खांखड़ क्या होता है? खांखड़ जमीन, खांखड़ सर जहाँ पे दो गांव की सीमा मिलती है, और तो उसको पाकड़ कहा जाता है। साधारणतः कितना होता है मिट्टी इसका, कोई रोड जैसा होता है या दोनों के बीच में क्या है, वो कोई रोड के रूप में उपयोग किया जाता है या बाउंड्री है, कितना एरिया होता है साधारणतः? सर अभी एरिया तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सर रोड के जैसे होता है जिसको कि दोनों गांव के लोग आपस में आने जाने के रास्ते के रूप में उपयोग करते हैं। वजीबुल अर्ज क्या है? सर जो गांव में कोई निजी जमीन है लेकिन उसका कई वर्षों से किसी सार्वजनिक कार्य के रूप में प्रयोग किया जाने लग जाता है, तो उसको वजीबुल अर्ज कहा जाता है। मतलब वो भले उनकी जमीन से वो रास्ता जा रहा है, लेकिन उन्होंने दूसरा किसानों के लिए या जो भी है वो देना ही पड़ेगा सर। देना ही पड़ेगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर नहीं तो पूरे अपने खेत में पहुंच नहीं पाएगा, तो देना ही पड़ेगा ना, ये राइट ऑफ वे है मेरे ख्याल में। जी सर कह सकते हैं, लेकिन ये जो मतलब कि कंप्लायंस नहीं था, जो पुराने टाइम पे लोगों ने मान लिया था और सहमति से आते जाते रहते हैं, तो सर उसको मेरे ख्याल में प्रावधान होगा। आपका जमीन मेरा जमीन में पहुंचने के पहले आ गए रोड से, तो मेरा जमीन में मैं कैसे पहुंचूं? सर वो भू राजस्व संहिता में दिया गया है कि मार्ग का सूखा अधिकार किसान को प्राप्त है, और वो तो उसके लिए सर तो प्रावधान तो है जी, तो संहिता के अनुसार तो आपको देना ही पड़ेगा जी सर। That is called right of way. The right, right मतलब अधिकार है आपका, आपके खेत में पहुंचने के लिए, आपके खेत से हम आएंगे, हमारा बैलगाड़ी आएगा या ट्रैक्टर आएगा जी। वो सूखे सूखे ही टाइम में आ सकता है, जब उसकी फसल लगी है तब नहीं जा सकते, उसमें इधर फसल हो गया फिर उसके बाद आपका फसल होता है, ऐसा व्यवस्था। जब आपका हार्वेस्ट भी होगा इनका इसका हो जाएगा फिर उसके बाद, ऐसा नहीं है अभी मेरा ट्रैक्टर चलाऊंगा खेत से फसल से थोड़ी चलाएं जी सर, तो वो ठीक।
कुछ साल पहले हमने सुना नहीं था कि महिलाएं जो है वो पटवारी बन पटवारी का काम करते हैं। तो महिला होने के नाते क्या आपको कोई असुविधा है इस पद पर काम करना? जी मैम, कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे कोई असुविधा नहीं होती है, किंतु मैम अगर मैं एक महिला होने के नाते मैं अपने दृष्टिकोण बोलूं तो कभी मैम ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो आने जाने में यदि रात हो जाती है तो वो एक सुरक्षा की दृष्टि से कारण रहता है। उसके उसमें भी मैम सहयोग रहता है, जो हमारे ऊपर के अधिकारी रहते हैं तो उनको रहती है कि महिला यदि महिला पटवारी वहाँ फील्ड में लंबे समय तक रात में काम कर रही है उनको छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं। मुझे ऐसी समस्या अभी तक तो नहीं दिखी। अभी पटवारी होने के नाते आप वैसे भी लोक सेवा कर रहे हैं जी, तो फिर से ये एग्जाम देने का क्या मकसद? मैम जी बिल्कुल, मैं बहुत शासन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अभी भी काम कर रही हूँ, लोक सेवा भी कर रही हूँ, किंतु मैम अगर मेरा चयन हो जाता है तो अभी मैं मैम सिर्फ एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी के रूप में काम करती हूँ कि अगर मेरे क्षेत्र में कुछ भी होता है तो मैं उसको रिपोर्ट करती हूँ अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, किंतु अगर मैं चयनित हो जाती हूँ तो मेरे कार्य क्षेत्र में विस्तृत हो जाएंगे और मेरे पास कुछ डिसीजन मेकिंग पावर रहेंगी, तो मुझे लगता है मैं और बेटर कर पाऊंगी उसको, इसलिए मैम मैं आप किसी भी पद पे हो तो रिपोर्टिंग तो करना ही पड़ेगा, मत सोचिए कि आप इस पद पे चयन होंगे तो रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी। जी जी मैम, वो तो करना पड़ेगा मैम, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी डिसीजन मेकिंग अभी रिपोर्टिंग क्या ऑनलाइन होती है या सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होती है, क्योंकि इंदौर में सर जैसे साइबर तहसील का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है कुछ, और गिरदावरी ऑनलाइन होने लग गई है, अभी फसल कटाई प्रयोग भी ऑनलाइन होने लग गए जो जो फसलों के अलावा भी, तो आपके महामारी पानी की कमी चारे इसका कोई ऑनलाइन पोर्ट वो नहीं है जिसपे आप अपलोड करते हो? नहीं नहीं सर, वो ऑफलाइन ही डेली डेली का डेली या इवन वर्षा कितनी हुई क्या हुआ ये सब ऑफलाइन जी सर, कि वर्षा से कोई नुकसान नहीं होती है तो हमको ऑफलाइन वे में प्रतिवेदन। मुख्यालय में आप पटवारी मुख्यालय में रहते हैं या हर दिन आप आपके रा नायब तहसीलदार हो या जो भी आपके बॉस हो या आरआई को रिपोर्ट करते हो क्या आप? सर आरआई के साथ साथ नायब तहसीलदार तहसीलदार दोनों, तो हर दिन मिलना अनिवार्य है या? सर हर दिन मिलना अनिवार्य तो नहीं है और हो भी नहीं पाता है क्योंकि हम फील्ड और पटवारियों को वो वही चल रहा है हर माह में 5,000 रुपए जो मीटिंग होना जी सर तहसील में जी सर। अच्छा, सेम डेट डेट तो सर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, बाकी सर जो पीएड लिखते हैं पटवारी दैनंदिनी उसी के हिसाब से काम होता है। जो पटवारी के जो सबसे ज्यादा शिकायत होती है कि वो सीमांकन नहीं करते पैसा ना, पटवारी का काम को पारदर्शी कैसे बनाते हैं? मैं मुझे इस पे ये है कि जैसे जैसे ऑनलाइन चीजें हो रही ई गवर्नेंस लोगों तक पहुंच रहा है तो काम में पारदर्शिता तो आ रही है, और ये जो एक वो बन गया है कि पटवारी पैसे मांगता है, तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति वैसा नहीं है, वहाँ काम करने वाले कुछ लोग हैं उनकी ऐसी मानसिकता बन गई है कि नहीं हम पैसे लेंगे तभी काम करेंगे, जो कि बहुत गलत है, पर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी हो रही है, जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं वो कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, जो पकड़े जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए तो कंप्लेंट होनी चाहिए, कंप्लेंट करने वाले की संख्या कम है, विभाग इसमें कुछ कर पा रहा है? सर विभाग भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेता है, जैसे हम लोग अभी जहाँ काम कर रहे हैं हमारे जो वर्तमान एसडीएम साहब हैं सर वो डायरेक्ट लोगों से मिलते हैं, अगर हमने कोई काम किया है तो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं कि आपका काम अच्छे से हुआ, पटवारी ने पैसे तो नहीं मांगे या फिर ऐसा कुछ आपसे कोई लेन देन। कौन है एसडीएम आपके? श्री अक्षय सिंह मरकाम सर। अच्छा ठीक है, अगर अच्छा हो तो वो भी भ्रष्टाचार को रोकता है। ये आपने जो आपका वेस्ट टू वेस्ट मटेरियल क्या है वो आपका हॉबी? वेस्ट टू बेस्ट, वेस्ट टू बेस्ट। तो मैं उसमें जैसे हमारे घर में कुछ अनुपयोगी चीजें हैं उसको उपयोग करके मैं कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, जैसे पुरानी साड़ियाँ होंगी तो उसका उपयोग करके मैं डोरमेट वगैरह बना लिया कुछ जी, और कुछ जैसे बॉटल वगैरह है तो उसको यूज करके कुछ पौधे के उसमें कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बना लूंगी। ये आपका पर्सनल जी
ये स्टार्टिंग में जब बचपन में शुरू किया, मतलब फिफ्थ सिक्स क्लास से मैं ऐसा कर रही हूँ, तो ऐसा लगता था कि हमारे पास पैसों की मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, दैट्स व्हाई हम ये कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि काफी अच्छी चीज है और उसमें स्किल्स में डेवलप होती है पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी Yeah.